हेलो फ्रेंड्स, मैं अमीशा, अमीशा केक एंड कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम। इसके लिए यहाँ पे मैंने 500 ml मिल्क लिया है, अमूल गोल्ड मिल्क लिया है, फुल फैट मिल्क लेना है हमें यहाँ पे। अब हम इसे थोड़ा सा वार्म कर लेंगे और इसी में से थोड़ा सा दूध मैं अलग निकालूंगी। मिल्क हमें फुल फैट लेना है। यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून शुगर डालूंगी। अब हम एक बर्तन में इसी में से थोड़ा सा दूध अलग निकाल लेंगे। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। अब हम इस दूध में सभी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। यहाँ पे मैंने नेस्ले एवरीडे का नेस्ले का मिल्क पाउडर लिया है। एवरीडे का 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर से हमारा आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बनेगा। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। 1.5 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर हमारी आइसक्रीम को मेल्ट नहीं होने देता, स्टेबलाइजर का काम करता है। ये जीएमएस पाउडर है, 1 टेबलस्पून हम जीएमएस पाउडर डालेंगे। जीएमएस पाउडर बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। ये हमारे आइसक्रीम को वॉल्यूम देता है। ⅛ टीस्पून हम सीएमसी पाउडर डालेंगे। ये 1/4 टीस्पून है, उसका भी मैंने हाफ लिया है, 1/8 टीस्पून। ये हमारी आइसक्रीम की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, स्टेबलाइजर का काम करता है और प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। अब हम इस मिक्सचर को ब्लेंडर से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इस मिक्सचर में लम्स नहीं है। अब दूध का उबाल आने के बाद इस मिक्सचर को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा दूध उबलने लगा है। अब हमने जो मिक्सचर रेडी किया था वो इसमें डाल देंगे।
इसे 5-6 मिनट तक हमें कुक कर लेना है, उबाल लेना है। अब हमें कंसिस्टेंसी कैसे चेक करनी है कि हमारा बेस रेडी हो गया है, तो इस तरह से स्पैचुला पे लेकर हमें ऐसे लाइन खींचनी है। अगर ये लाइन मिक्सअप नहीं होती तो हमारा बेस रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे, बेस को ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इस तरह के कंटेनर में हम भर लेंगे। हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है, अब हम इसे एयरटाइट कंटेनर में भर लेंगे। और इसे ओवरनाइट 7-8 आवर्स सेट होने रख देंगे। इसे फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में 7-8 आवर्स सेट होने रख दूंगी। यहाँ पे मेरा वेनिला बेस रेडी हो गया है। अब हम कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम के लिए 250 ml वेनिला बेस ले लेंगे। से हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे, टुकड़े कर लेंगे बेस के। मैंने जो वेनिला बेस की आपको जो रेसिपी बताई है वो 500 ml की है, आपको उसका हाफ बेस लेना है। अब हम इसे बीटर से बीट कर लेंगे। इस तरह का बीटर आता है जो हम केक में इस्तेमाल करते हैं। हम इसे बीट कर लेंगे, पहले स्लो स्पीड पर बीट करना है, फिर फास्ट करना है, जब तक ये बेस फ्लफी और एकदम सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें बीट करना है। हमारा मिक्सचर रेडी है, एकदम सॉफ्ट और फ्लफी हो गया है। अब हम क्रीम बना लेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। व्हिपिंग क्रीम हम केक में इस्तेमाल करते हैं, उस क्रीम का इस्तेमाल हम करेंगे। आप यहाँ पे 1/2 कप अमूल फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है। अब हम इसे सॉफ्ट पिक आने तक बीट करेंगे। पहले स्लो स्पीड पर बीट करना है, देन फास्ट पे करना है।
व्हिपिंग क्रीम हमारी लिक्विड कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। जब भी हमें यूज करना है सुबह से हम इसे डीप फ्रीजर में से फ्रिज में रख देंगे ताकि हमें इस तरह की लिक्विड कंसिस्टेंसी मिले। अगर ये जमी हुई होगी, इसमें आइस क्रिस्टल्स होंगे तो हमारे आइसक्रीम्स में भी आइस क्रिस्टल्स आएंगे। सो लिक्विड लेनी है हमें व्हिप क्रीम। अब हम कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। इस तरह की आप देख रहे हैं सॉफ्ट पिक। सॉफ्ट पिक आने के बाद हम और एक मिनट के लिए इसे बीट कर लेंगे। 5 से 10 मिनट तक हमें इस क्रीम को बीट करने में लगेंगे। अगर आपका बीटर अच्छा है तो जल्दी फास्ट बीट हो जाएगा। समर सीजन है तो आप इसके नीचे आइस बैड रख के व्हिप कीजिए। आइस बैड मतलब एक बाउल में थोड़े से बर्फ के टुकड़े लेकर आपको बीट करना है। ये बाउल उस बाउल पर रखना है। अब हम और एक मिनट के लिए बीट कर लेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप का भी हम हाफ कंडेंस मिल्क डालेंगे। 1/8 कप, ये 1/4 कप है, इसका भी हम हाफ डालेंगे। अब हम इसमें एसेंस डालेंगे। आप यहाँ पे चॉकलेट एसेंस ले सकते हैं, वेनिला या कुकी एंड क्रीम एसेंस आता है, आप कोई भी एसेंस डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे चॉकलेट एसेंस डाल रही हूँ, 1 TSP। अगर पुराना है तो आप एसेंस ज्यादा डाल सकते हैं, अगर नया है स्ट्रांग है तो आप कम डालेंगे तो भी चलेगा। अब हम इसे थोड़ी देर और बीट कर लेंगे। ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम यहाँ पे कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम है तो अब हम इसमें बिस्किट्स डाल देंगे। हाइड एंड सीक ले सकते हैं, ओरियो ले सकते हैं। अगर आपको बीटर टेस्ट पसंद है तो आप ओरियो ज्यादा डालें। कोई भी चॉकलेट बिस्किट्स आप लेकर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 ओरियो बिस्किट ले रही हूँ। अब क्रीम के साथ ही इसे क्रश कर लेना।
जो बेस लिया था उसी में हम ये क्रम्स डाल देंगे, कुछ चंक्स डाल देंगे बिस्किट्स के, थोड़े मैं बचा कर रखती हूँ डेकोरेशन के लिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो क्रीम बनाई थी वेनिला की वो इसमें डाल देंगे। वेनिला क्रीम में हमने व्हिप क्रीम ली थी, कंडेंस मिल्क और एसेंस डाला था। यहाँ पे हम सब कुछ मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर बीटर से बीट कर लेंगे। यहाँ पे आप केक या ब्राउनी के क्रम्बल्स भी डाल सकते हैं, इट्स अ ऑप्शनल। यहाँ पे मैं नहीं डाल रही हूँ बट आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने वेनिला बेस लिया, वेनिला बेस में हमने बिस्किट के क्रंच डाले, वेनिला व्हिप क्रीम डाली, कंडेंस मिल्क और एसेंस डाला है। अब हम इसे अच्छे से थोड़ी देर और बीट कर लेंगे। हमारा मिक्सचर रेडी है कुकी एंड क्रीम का। अब हम इसे एयरटाइट कंटेनर में भर लेंगे। इस तरह के एयरटाइट कंटेनर में हमें इसे भर लेना है ताकि इसमें आइस क्रिस्टल्स ना हो। इस तरह की लेयरिंग होनी चाहिए तभी हमारी आइसक्रीम अच्छी बनी है। यहाँ पे हम कुछ और क्रंच डाल देंगे। आपको अगर पाउडर पसंद है तो आप पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। इस तरह से स्पैचुला से थोड़ा घुमा लेंगे। अब हम इसे फ्रिज में 7 to 8 hours के लिए सेट होने रखेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है कुकी एंड क्रीम।
अब देख सकते हैं कुकीज हमारी कितनी अच्छी लग रही है, सॉफ्टनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।